सर्च में चैनल का नाम लिखें पेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती है। सलाम दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ सखर रोड के दरमियान जो ब्रिज है, लैंसडाउन ब्रिज है, जो आप देख सकते हैं पीछे बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी यहाँ पे इस ब्रिज के हवाले से। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ से स्पेशल कैप्चरिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए इस ब्रिज के बारे में। और लैंसडाउन के साथ नया रेलवे का ब्रिज बना है अयूब ब्रिज, यहाँ से भी थोड़ी देर में ट्रेन पास होने वाली है जाफर एक्सप्रेस, उसको भी देखेंगे और मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो दूसरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब कर लें, पहले को लाजमी दबाएँ ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहे आने वाली तमाम वीडियोस की। तो चलते हैं आगे और देखते हैं इस ब्रिज के बारे में और आगे ट्रेन कैसे जा रही है उसको देखते हैं। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सक्कर से ज्वाइन किया है मुझे इस वक्त शिराज ने, जो यहीं पे मौजूद होते हैं, और उनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि इस दरिया में ये पानी कहाँ तक होता है। और अब तो आपके सामने सूरत हाल है कि कहाँ तक पानी, जैसे जब अगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शिराज भाई, तभी ठीक है दुआएं बिलाल भाई आपने। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये पानी वैसे कहाँ तक होता है नॉर्मली। बिलाल भाई देखें आगे जो ये सक्कर बिलाल की तरफ ये जा रहा है, जैसे लाल खाना आगे बहुत है, ये आगे से पता नहीं कहाँ से आया है इतनी ज़्यादा तादाद में, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बढ़ चुका है, ओवरफ्लो हो गया है। कुछ दिन पहले वहाँ से जो सक्कर बिरा से जो है लाशें भी मिली थी, इसकी वजह से जो बारिश हुई थी कुछ दिन पहले,
तो काफ़ी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पानी आ चुका था, अभी भी कुछ जहाँ पर सखर में और रोड़ी में कुछ ऐसी भी जगहें यहाँ पर पानी की तादाद बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, जो कि रोडों पर होगी, मॉलों पर होगी। तो सखर सिटी में जी ये देखें जी जो है रेस्क्यू टीम है वो ज़्यादातर हमें नहीं देखने को मिलती, और जो है सखर सिटी आप देख सकते हैं जैसे ये अवर स्लो हो गया है, वैसे ही सखर और रोड़ी जो शहर है वहाँ पर भी यही हाल सूरत हाल हुई है। तो बिल्कुल देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे जो बिल्कुल ज़मीन पे वाकई हैं, लेकिन इस वक्त ओवर फ्लो होने की वजह से ये पानी ऊपर आ गया, और पीछे कुछ जानवर भी नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं ये बंद बनाया हुआ है, इस वजह से पानी अंदर नहीं जा रहा, इसको रोका गया है यहाँ पे कि मजीद। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि बारिशों की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़्यादा पानी आया और इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया, जिस वजह से जो है दरिया चनाब, दरिया सतर, दरिया रावी और इन सब से होते हुए दरिया सिंध में एवर इंडो से पानी की तादाद कुछ ज़्यादा ही हो गई है और ये ओवरफ्लो हो रहा है और मुख्तलिफ़ आबादी में जा रहा है पानी। तो इस वक्त ये सूरत हाल ताज़ा, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।